उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक मदरसे में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद जमकर बवाल हो गया। मामला फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र के बिंदगी तहसील के बेहटा गांव का है। यहां एक मदरसे के पीछे तालाब के पास गोवंश के अवशेष बरामद हुए। गोवंश के अवशेष मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। कल की घटना है। एक मुश्ताक है, उसके घर के पीछे कुछ गाय के अवशेष मिले थे काटने के बाद में, और कल पुलिस आ गई थी, लोगों को हम लगा के कोतवाली गए, वहाँ सब तहरीर लिखी गई, सारा मामला शांत हो गया। सब आज के दिन दोबारा गोमान से एक तालाब के दूसरे तालाब के किनारे मिला। हम और हमारे एसओ साहब और हमारे चौकी इंचार्ज महोदय सब लोग साथ में थे। वहाँ जो गांव अवशेष मिले थे उसको हम लोग दफन कर रहे थे वहाँ पे। तब तक पता लगा कि इधर जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठा है, तो थोड़ा सा इधर एक मदरसे में भी गौमांस मिल गया है, मदरसे में कमरे के अंदर। तो सभी लोग जो है वहाँ पे जो है थोड़ा सा निकाल के और थोड़ा सा बाउंड्री क्षतिग्रस्त किए। इस मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अवशेष को गड्ढे में दबवा दिया, लेकिन एक बार फिर से उसी जगह अवशेष बरामद हुए। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण एक बार फिर से आक्रोशित हो गए। उग्र भीड़ लाठी डंडा लेकर मदरसे में पहुँच गयी और तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। हाँ सर, मामला यह है कि थाना बिरकी के बेटा गांव में तालाब में कुछ गोमांस की मतलब फैमिली बरामद हुआ जी। वो शादी लेकिन अगर भाई गांव के लोग इकट्ठा आक्रोशित हो गए जी। तो ग्रामीण मदर था जो दो कमरे का टीन शेड वाला, उसके बाउंड्री वाल उसका टीन शेड को क्षतिग्रस्त कर दिए लोग। इस समय मौके पर शांति है, कोई समस्या नहीं। क्या ऐसी भी कोई सूचना है कि घटना कल की थी, कल के बाद आज इस मामले ने तोड़ पकड़ा, ऐसा मामला है? नहीं, कल जो हुआ था वो गोमांस बरामद हुआ था, उस संबंध में मुकदमा कायम है जी, और जो अभियुक्त थे वो भगा हुआ है। आज क्या हुआ था सुबह? आज दूसरे जगह तक मांस वही मतलब कल जो गाय उसका कुछ मांस हिस्सा बरामद हुआ। कहाँ बरामद हुआ था? एक तालाब में हुआ था। लोगों को कहना है कि मदरसे के मतलब कैंपस में जी, हाथे में ऐसा कहना है जी जी। तो उस पर लोग आकर्षित हुए और उसके बाउंड्री वाले और टीन शीट को क्षतिग्रस्त कर दिए। कुछ आग लगाने की सूचना है? नहीं, हल्का फुल्का मतलब प्रयास किए लोग कपड़े उपड़े। अब स्थिति कैसी है? अब स्थिति कुछ सामान्य है जी, तो कुछ कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी कानून को अपने हाथ में लेगा, उसकी कार्रवाई की जा रही जाएगी, चिन्हांकन किया जा रहा है। गिरफ्तारी अभी तक किसी की? अभी तक पूरे सब लोग भगे हुए हैं, अभी चिन्हांकन करके हम कार्रवाई करेंगे। मामले की सूचना पर बिंदकी सीओ अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ दिया। ये थाना बिंदकी के बेटा ग्राम की घटना है। यहाँ पर जो लोगों को सूचना हुई कि यहाँ आपत्तिजनक गोमांस तालाब के किनारे मौजूद है, इसके आधार पर लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और जो तालाब के अपोजिट ग्रामीण मदरसा संचालित किया जा रहा है उसमें उसकी बाउंड्री वाल और टीन शेड वगैरह को क्षतिग्रस्त किया। मौके पर तत्काल फोर्स भेजी गई और लोगों को समझा बुझा के शांत करा दिया गया है। शांति व्यवस्था मौके पर कायम है और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित कराया जा रहा है और उनके खिलाफ जिंदगी थाने में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मिल रही वहाँ पर कोई बात आ रही है कड़ी कार्रवाई। आगजनी की वैसी कोई घटना नहीं है, सामान्य जो मदरसे के अंदर जो कुछ कपड़े वगैरह मौजूद थे किया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए डीएम संजीव सिंह और एसपी रमेश मौके पर कैंप कर रहे हैं। फतेहपुर से एनडीटीवी भारत के लिए अरमान खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।